बहुत बहुत साधुवाद वकील साहब। बीएसपी पार्टी के जो सिपाही आए उनका स्वागत, और उन्होंने अपनी बात कही जो जरूरी थी। यहाँ काफी युवा संगठन भी आए हुए हैं और कुछ 60 साल के युवा आए हुए हैं। जो 60 साल के युवा हैं उनके लिए एक बार जोरदार तालियां, क्या बात है। और मेरे पास भी ऐसे दो सिपाही हैं, ज्यादा हैं बल्कि, मेरा एग्रीमेंट उनके साथ हो गया है। अब कभी, सुनिएगा जरा ध्यान से, अब कभी जब भी धरना होगा उनको ही शहीद करेंगे, ठीक है। स्वाभिमान की, सोशल रेपुटेशन की कीमत अदा करनी पड़ती है, और आप लोग तैयार नहीं हैं कीमत अदा करने के लिए। यही मेरी उसी प्रेजेंटेशन की लाइन में है, यूथ लोग ध्यान से सुने, उनको ज्यादा फेस करनी पड़ती है ये बात, क्योंकि बुजुर्ग जब इकट्ठे होंगे तो वो कहेंगे अजी वक्त बहुत बुरा आ गया, आजकल बच्चे कहना नहीं मानते, के करा रुका राम जी टापर तो कहना ही कौन माने, कि तो समझा दो बने तो समझ ही कौन आवे, अजी की करिए काका कहने नहीं लगता, भावे किन्ना ही समझा लिए कुड़ियां नहीं मनदियां साडियां, पता नहीं स्कूल पढ़ने जाता है पता नहीं जाता, अजी का करे हमारो लोडो तो ना मान रो, जितनी भाषाएं आप सुनते हैं। हाँ अभी कह रहे थे ना जमुना पार आ गया मिशन, नहीं पाकिस्तान बॉर्डर पे भी पहुंच गया है। मैं पाकिस्तान बॉर्डर से बिलोंग करता हूँ, श्री गंगानगर जिला, जो उत्तर में पंजाब लगता है पश्चिम में पाकिस्तान। कुछ साल पहले जब एलओसी नहीं थी तो हमें पता भी नहीं था हम भारत में कि पाकिस्तान में, गलती से हमारे लोग उधर छाछ लेने चला जाया करते थे। एनीवे वापिस आते हैं प्रेजेंटेशन पे। आप लोग जब तक कीमत अदा करने के लिए तैयार नहीं होंगे वो चीज आपको नहीं मिलेगी जिसके लिए आप प्रयास कर रहे हैं। सिखों के गुरु गुरु गोविंद सिंह, उनके बारे में क्या क्या कहा पंजाबी साहित्य ने, क्या कहा, पहला मां वारी फिर चार पुत वारे, पहला मां वारी फिर चार पुत वारे, पहला मां वारी फिर चार पुत वारे, फिर प्यो वारिया, छीमा प्यो वारिया, सतमा आप वारिया, सतवार के कहने पाणा मीठा लागे तेरा वे, सतवार के कहने पाणा मीठा लागे तेरा वे, सरबंस दानिया देना कौन देऊगा तेरा वे, सरबंस दानिया देना कौन देऊगा तेरा वे। बाबा साहब ने भी अपने पुत्र वारे हैं, कुर्बान किए हैं, उनका देना हम नहीं दे सकते, उनका देना हम नहीं दे सकते, लेकिन उनके द्वारा की कही गई बात को अपने जीवन में उतार कर हम अपने माँ बाप की नेक संतान होने का दावा कर सकते हैं। मैंने ऐसा सुना है, पढ़ा है कि बाबा साहब के पार्थिव शरीर को साक्षी मानकर मुंबई की गलियों में लोगों ने संकल्प लिया कि हम हिंदू धर्म में पैदा हुए ये हमारे बस की बात नहीं थी, लेकिन मरेंगे हिंदू धर्म में नहीं ये हमारी बस की बात है। बाबा साहब की बात को ठीक उन्होंने दोहराया प्रतिज्ञा के रूप में। आज फिर एक अवसर है, संकल्प लीजिए, मुझे सुनाने की जरूरत नहीं, साथी को कहने की भी जरूरत नहीं, कहो तो अच्छी बात है, प्रेरणा पैदा होगी। अब प्रेजेंटेशन की अगली लिंक, फिर मैं किसी एक नौजवान और मेरे पास आए हैं, युवा शक्ति दल। और अजीब बात है कि बंदे जी मैं मन संचालन कर रहे हैं आज, क्योंकि मैं अपने उद्देश्य से यहाँ आया हूँ, मेरी टीम है इधर बैठी है, तो आधी टाइम मेरी टीम मेरे पीछे बैठी है, फिर उनका गीत भी आप सुनेंगे। ये लालकुआ बदरपुर बॉर्डर से है, माता रमा बाई संगीत मंडल, युवा शक्ति दल। प्रेजेंटेशन की अगली बात क्या है कि कीमत अदा करना सीखे हम। हम कीमत अदा करने के लिए तैयार नहीं है, इसीलिए वो चीज जो हम पाना चाहते हैं वो नहीं मिल रही। जब किसी आदमी का स्वाभिमान नहीं होता है तो बेचैनी दौड़ती है, बेचैनी दौड़ती है, और जब बेचैनी दौड़ती है तो जीवन का कोई औचित्य नहीं रहता। आपके घरों में बच्चे हैं, वो विद्यालय में पढ़ने जाते हैं, तो मैंने पहले ही कहा कि जो विद्यालय है वो सेक्युलर नहीं है, वो धर्मनिरपेक्ष क्लास
क्लास में धर्म निरपेक्षता नहीं है, स्कूल के तो दूसरी बात है। कोई टीचर अगर ऐसी बात सिखाता भी है कि भारत की संस्कृति कौन सी है, तो दूसरे लोग उसको उसकी उपेक्षा करते हैं। अभी मैं राजस्थान के एक गांव के अंदर एक स्टैचू लगाई, उसमें एज ए चीफ गेस्ट मुझे बुलाया गया और उसके अंदर जो स्टैचू लगाई है गांव के अंदर, उस गांव के अंदर स्टैचू लगाने वाले बच्चों की उम्र है 20 साल 22 साल 21 साल। उन बच्चों ने स्टैचू लगाई है गांव के अंदर, अपने खेत में स्टैचू लगाई है बाबा साहब की, और चीफ गेस्ट मुझे बुलाया गया और अध्यक्ष अपनी दादी को बनाया, उन्होंने अपनी दादी को अध्यक्ष बनाया। उसी गांव से कांग्रेस पार्टी के अंदर मुख्यमंत्री का दावा करने वाले नेता की पैतृक भूमि है और उसी गांव का, उसे उन्होंने नहीं बुलाया। तो सोशल मीडिया से नौजवानों में बड़ी समझ आई है।